हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग लगभग 545 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे, आज के सेशन में 546 नंबर से देखेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखिए, क्वेश्चन 546 है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो हम लोग सभी जानते हैं कीबोर्ड जो है वह आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस है। जैसे इन करते हैं तो ये सभी इनपुट डिवाइस है, यानी इनपुट ऑप्शन नंबर इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। अगर आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो मोनीटर हो गया आउटपुट डिवाइस, मोनीटर हो गया, इसके साथ साथ प्रिंटर है, स्पीकर है, कार्ड रीडर है, तो ये सभी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इनपुट डिवाइस में क्या जाएगा? कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, बारकोड आ जाएगा, टच स्क्रीन आ जाएगा, तो ये सभी इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क होता है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या चीज़ होता है? चुंबकीय द्रव से निर्मित, जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्लॉपी डिस्क होता है चुंबकीय द्रव से निर्मित, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 548, अधिकांश जो प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों में जो पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट पर जो प्रिंटेड लाइन के पैटर्न होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, बताइए। ऑप्शन ए में दिया है पाइसेस, ऑप्शन बी है OCR, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है बारकोड्स, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारकोड्स, डी। ठीक है ना, डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो आपके कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी होते हैं उसे हम लोग रोम कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी बताइएगा कि रोम के फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 550, विंडोज़ डेस्कटॉप पर खाली स्थान द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतीत, लेवल, ग्राफ, आइकन, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइकन, जो कि ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 551, सभी डिलीटेड फाइलों में होती है, तो सभी डिलीटेड फाइलों में होती है ना वो रिसाइकल बिन होती है, रिसाइकल बिन जो कि मोबाइल में भी होता है, तो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है MICR में जो सी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सी का जो फुल फॉर्म होता है करेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी। MIC का आप पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, हम पिछले क्लास में बताए थे। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लेड का अर्थ है, तो ब्लेड का अर्थ क्या चीज़ है? ब्लेड का अर्थ मुद्रित प्रतीक किनारे की ओर से संरेखण से बाहर का स्थान है, जो कि ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 554 में दिया है कि बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड एक प्रकार का डाटा मापने का इकाई है, डाटा मापने मेजरमेंट करने का यूनिट है, जो कि ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 555 में दिया है कि बारकोड से तात्पर्य क्या है? तो बारकोड से तात्पर्य क्या है? यह आइडेंटिफाइड करता है कोड को, यानी पहचान करता है, जो कि ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है ऑटो एंसर का मॉडम से क्या तात्पर्य है? तो ऑटो एंसर से मॉडम से यही तात्पर्य है कि स्वतः यानी सेल्फ उत्तर देता है, जो कि ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 557, निम्न में से पेंची सर्वर कहलाता है, तो जो आपका पेंची सर्वर कहलाता है वो क्या कहलाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अपाचे, वाहू, सीफी, यू गूगल, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अपाचे, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 558, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से किस पैटर्न से होता है, किस पोर्ट से जोड़ते हैं, माफ कीजिएगा, डॉट मैट्रिक्स जो होते हैं प्रिंटर वह किस पोर्ट से जोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पैरेलल पोर्ट से, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्टिकल माउस से पहले कौन सा माउस प्रयोग किए जाते थे? तो ऑप्टिकल माउस से पहले जो माउस प्रयोग किए जाते थे वह बॉल वाले
प्रयोग किए जाते थे माउस, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से आउटपुट, निम्न में से ये जो प्रश्न है ना, यह हो जाएगा आउटपुट यूनिट है, तो इसका देखना है। ऑप्शन में यह दे रहा है, देखिए यहाँ पे यह प्रश्न है ना, ये देखिए आप यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से आउटपुट नहीं है, तो आउटपुट नहीं है यहाँ दिया था, लेकिन इनमें से आउटपुट कौन है तो ये देखना है। तो देखिए प्रिंटर, मोनिटर और स्पीकर है ना, तो यह आपका जो है ना प्रिंटर, मोनिटर और स्पीकर, ये आउटपुट है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 561, PPM संबंधित है, तो PPM किससे संबंधित है, PPM जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो लेजर पेंट से संबंधित है, और लेजर पेंटेड ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है, तो किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है, वह होता है हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो ये प्रश्न हो गया 661, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है 562, किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में होता है, तो ये हार्ड डिस्क में होता है ना, ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड डिस्क, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है, तो निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है, तो वो करता है फ्लोटर, जो कि ऑप्शन सी है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, तो किए गए जो कार्य है वह दिखाई देते हैं आपका VDU, जो कि ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 565, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, तो आउटपुट का माध्यम कौन है इसका, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे स्कैनर और कीबोर्ड, तो ये सभी इनपुट हो है, माउस भी इनपुट है ना, लेकिन प्रिंटर जो है, प्रिंटर जो ऑप्शन सी दिया है ये आउटपुट है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी से राइट आंसर हो जाएगा। बाकी माउस देख लीजिए, स्कैनर देख लीजिए है ना, कीबोर्ड देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, तो ये सभी इनपुट डिवाइस है, लेकिन आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर हो गया है ना, मोनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, तो ये सभी आपका आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस का माध्यम कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डगलस सी एंजल ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था, तो इन्होंने माउस का आविष्कार कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंकीय बोर्ड के माध्यम से यानी डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, तो वो जो साधन है वो आपका स्कैनर है, स्कैनर जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंबल जो दिया है पहचान का प्रयोग ईमेल में जो करते हैं, एड्रेस यूज़र नेम को IPS ISP में अलग करते हैं, तो ईमेल में कौन करते हैं हम लोग, आप सभी जान रहे हैं @gmail.com को नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, @। नेक्स्ट है, मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों के साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है, तो जो प्रोसेसिंग निम्नलिखित है वह आपका मल्टी प्रोसेसिंग जो ऑप्शन नंबर है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद।